लोरमी ब्लॉक के ग्राम सोनपुरी में आप पार्टी के नेता व विधायक प्रत्याशी रहे रामकुमार गंधर्व पर अधेड़ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ग्राम सोनपुरी में राउत नाचा गंधर्व मेला में रामकुमार गंधर्व व एक अधेड़ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद उस अधेड़ ने अपना आपा खोते हुए रामकुमार गंधर्व पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में रामकुमार गंधर्व के सर पर गंभीर चोट आई है व उनका इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। प्राप्त शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। ग्राम सोनपुरी में अहिर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं पर किसी चीज़ को लेकर के वाद विवाद हुआ था, तो उसके सर पर उनके डंडे से वार किया गया है, उन्हें चोट लगी है, जिसके तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया 294, 323, 506 और 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया और आरोपी गिरफ्तार कर लिया। क्या वजह थी सर? किसी चीज़ को लेकर के वाद विवाद हुआ था। आपको बता दें कि रामकुमार गंधर्व पर हमला करने वाले अधेड़ का नाम रमेश यादव है, जो पथरिया के चंद्रगढ़ी का रहने वाला है। इस मामले में फिलहाल कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी अधेड़ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुगेली से विवेक जायसवाल व कैलाश कुमार की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।